बौद्ध धर्म के अहम धार्मिक स्थलों में शुमार और विश्व धरोहर की ख्याति प्राप्त सांची में दो दिवसीय महोत्सव मेले की शुरुआत हो चुकी है। इस मेले का शुभारंभ केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। इस अवसर पर सबसे पहले चीन, जापान और श्रीलंका से आए बौद्ध धर्म अनुयायियों ने सांची के मंदिर की परिक्रमा की। इस वर्ष वियतनाम से लाई गई 80 किलो वजनी क्रिस्टल बॉक्स में गौतम बुद्ध के शिष्य बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र और महामोद ग्लायन की अस्थियां दर्शन के लिए रखी गई, जिनकी सुबह 6:30 बजे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पूजा अर्चना कर दर्शन किए। ये अस्थियां वर्ष में एक बार निकाली जाती है। इन्हें यहाँ चैत्यगिरी के तलघर में रखा जाता है, जिसकी एक चाबी जिला प्रशासन के पास तथा दूसरी श्रीलंका महाबोध सोसाइटी के पास रहती है, जिसे आज बाकायदा दोनों प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पंचनामा बनाकर खोला जाता है। बता दें कि इस मेले में बड़ी संख्या में दुनिया के अन्य बौद्ध देशों से भी लोग पहुँचते हैं। वहीं केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार यहां सिंहली भाषा में भी बोर्ड लगाए गए हैं। ये कदम श्रीलंका से आने वाले बहुतायत संख्या में बौद्ध धर्म के अनुयायियों को देखते हुए उठाया गया है। और संयोग है कि विश्व विरासत सप्ताह भी चल रहा है, लेकिन जब यहाँ पर अस्थियां वापस आई थी वो भी नवम्बर का आखिरी रविवार था, उस दृष्टि से यहाँ पर दोनों महापुरुषों की अस्थियों को दर्शनार्थ रखा जाता है। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने आज सपरिवार उन अस्थियों के दर्शन किए हैं, लेकिन दूसरी खुशखबरी ये भी है कि जो अभियान मैंने इसी जगह से तय किया था कि हम सहेली भाषा में यहाँ पर बोर्ड लगाएंगे, मैं आज धन्यवाद करता हूँ ESI के अधिकारियों का और प्रबंधन का कि सभी लोगों ने उस काम की शुरुआत यहाँ से की है। अब मैं देश में जितने भी हमारे आइकेनिक साइट्स हैं या हमारी जो यूनेस्को की साइट्स हैं, उन सब पर जो पहले 3 बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं उनकी भाषा में हम बोर्ड लगवाने की कोशिश लगाने में सफल हों। यहाँ पर दूसरे नंबर पर मेरे ख्याल से और वियतनाम के लोग ज़्यादा दूसरे नंबर पर है, तो मेरी कोशिश होगी कि सहेली के बाद वियतनाम की भाषा में यहाँ पर बोर्ड लगे। कुल मिलाकर सांची में होने वाला 2 दिवसीय महोत्सव मेला भारत की संस्कृति समृद्धि को दिखाता है। भारत के लिए ये गर्व की बात है जहाँ भगवान बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, रायसेन।